नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, रोड टू सक्सेस, रोड टू स्टार्ट। दोस्तों, हम कलाकार तो है लेकिन हमारा दिल बहुत नाजुक होता है। हमारे दिल की बातें, हम अपने दिल की बातें दिल में नहीं रख सकते। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमें बहुत से लोग हमें अपने दिल के साथ खेल के चले भी जाते। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आदमी जिस माहौल में रहता है उसी माहौल से उसका पाला पड़ जाता है, वैसा ही हो जाता है। जब ये एक्टिंग करते हैं तो झूठी झूठी बातें, झूठे डायलॉग्स, झूठे ये करते करते कभी कभी कलाकार जो होता है उसी में रम जाता है और उसका दिल ऐसा ही हो जाता है। और अपनी सब बातें बहुत भोले दिल के होते कलाकार, ऐसे ही भोले कलाकार, ऐसे ही भोले दिल के कलाकार हमारे दो कलाकार ऐसे हैं। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में दो कलाकार ऐसे थे या तो है, जो भी कहो, जो भी है। तो वो कुछ बातें उनके बारे में मैं बताऊंगा। हमारे सिल्वर जुबली कुमार, राजेंद्र कुमार साहब के बारे में बताऊंगा और उनके साथ सायरा जी के बारे में भी बताऊंगा। दोस्तों, सायरा जी लंदन में पढ़ी थी, नसीम बानो की लड़की थी। नसीम बानो बेहद खूबसूरत हीरोइन थी, दिलीप कुमार के साथ काम कर रही थी और बहुत ही अच्छा काम कर रही थी और बहुत खूबसूरत सी दिखने वाली एक लेडी थी। और उनकी यानी सायरा जी, वह भी बेहद खूबसूरत, और वो लंदन में पढ़ के आई थी तो वो भी चाहती थी कि वो भी फिल्म इंडस्ट्री में काम करे और आगे बढ़े। तो दोस्तों, उसी वक्त ज़माना था 1960 का, राजेंद्र कुमार साहब छाए हुए थे, सिल्वर जुबली कुमार छाए हुए थे इंडस्ट्री में और उनकी हर फिल्म में सिल्वर जुबली होती थी। दोस्तों, पहली फिल्म उनकी साथ में थी सायरा जी और राजेंद्र कुमार साहब की, आई मिलन की बेला। ये फिल्म बहुत हिट हुई, गाने बहुत हिट हुए। ऐसे तो सायरा जी की पहली फिल्म जंगली थी, जंगली में बहुत ही पहचान मिली, बहुत अच्छा काम मिला, शम्मी कपूर जी के साथ बहुत अच्छा नाम भी हो गया और बहुत फेमस भी हो गई और उन्हें फिल्में मिलने लगी और रातों रात वो स्टार भी बन गई। तो राजेंद्र कुमार साहब के साथ उन्होंने आई मिलन की बेला की, झुक गया आसमान किया और बहुत सी फिल्में के साथ में, लेकिन वो साथ में रहने की वजह से शायद उनके दिल मिल गए थे, वो एक दूसरे को मन ही मन चाहने लगे थे। सायरा जी भी उस राजेंद्र कुमार की चाह में इतनी पागल हो गई थी कि वो ये भी भूल गई थी कि राजेंद्र कुमार की शादी हुई है, उन्हें तीन दो बेटियां, एक बेटा भी है, उनकी शादी हो चुकी है। तो भी पता नहीं, उनके प्रेम में ऐसी पागल हो गई कि वो उनको दिल दे बैठी और वो हर वक्त चाहती थी कि वो हर वक्त साथ में रहे और उनकी नज़दीकियाँ इतनी बढ़ने लगी। तो नसीम बानो को जब ये बात मालूम पड़ी, तो उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि राजेंद्र कुमार जी दूसरे धर्म के तो थे ही थे लेकिन शादीशुदा थे, तीन बच्चों के बाप थे और ये नई लड़की थी और एकदम 17-18 साल की, जैसे कहे जैसे अलहड़ लड़की थी और उनके प्रेम में एकदम पागल थी। तो नसीम बानो ने चाहा कि उन दोनों को अलग किया जाए। नसीम बानो ने हिदायत दे दी कि सायरा जी, आप उनके साथ ज़्यादा बिताएगी नहीं, उनके साथ काम करेगी नहीं। लेकिन ये कहाँ मानने वाली थी, ये तो लंदन से पढ़ के आई थी, ऊँचे विचार वाली थी, खुले विचार वाली थी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं उनको चाहूँगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तीन बच्चों के बाप है या तो शादीशुदा है या मुझसे उम्र में बहुत ज़्यादा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, ये इतने पागल हो गए थे। यहाँ राजेंद्र कुमार भी इनके दीवाने हो गए थे, हर वक्त चाहते थे उनके साथ रहना, वो भी अपने फैमिली को भूल के उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना चाहते थे। तो दोस्तों, ये बात तो हो गई लेकिन नसीम बानो ने कहा कि ये तो बुरा हो जाएगा, इनकी एक फैमिली भी है, ये भी बिखर जाएगी, उनके बच्चे हैं वो भी बिखर जाएंगे। तो उन्होंने सोचा क्या किया जाए। तो नसीम बानो दिलीप कुमार साहब के साथ फिल्म कर रही थी तो उन्होंने दिलीप साहब से कहा कि दिलीप साहब, आप कुछ कीजिए, उसमें से बीच में से कुछ रास्ता निकालिए और सायरा जी को हमारी तरफ लाइए, वो तो इनके प्रेम में इतनी पागल हो गई है, राजेंद्र कुमार भी इतने प्रेम में इतने पागल हो गए, वो उनकी फैमिली को, उनकी वाइफ को, उनके बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। तो दोस्तों, ऐसा होता है प्रेम का पागलपन और ये तो दीवानापन ही था। लेकिन एक बात ऐसी हुई
जैसे कि 23 अगस्त 1966 को सायरा जी की बर्थडे थी, तो उनमें सायरा जी ने राजेंद्र कुमार साहब को भी बुलाया। वो चाहती थी कि राजेंद्र कुमार साहब आके सबके सामने ये बात कहे कि मैं और सायरा जी शादी करने वाले हैं, और वो ये भी चाहती थी कि घर वालों के सामने ये सब बातें खुले। तो दोस्तों ये बात तो हुई, जब शाम को पार्टी हुई तो दिलीप साहब को भी बुलाया गया। नसीम बानो ने दिलीप साहब को बुलाया, वो भी आए और राजेंद्र कुमार साहब भी आए, लेकिन राजेंद्र कुमार अपनी वाइफ के साथ और अपने तीनों बच्चों के साथ आए। ये देख के सायरा जी का मन एकदम खिन्न हो गया। वो सोचा कि वो अगर आज शायद मेरी बर्थडे पार्टी में अगर शादी का ऐलान करने वाले थे तो ये तो कुछ अलग ही हो गया। तो वो बहुत नाराज़ हो गई और बहुत ब्रेकडाउन, नर्वस ब्रेकडाउन में चली गई। नर्वस ब्रेकडाउन में ऐसे चली गई कि उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा था। तो नसीम बानो ने दिलीप साहब से कहा कि दिलीप साहब आप कुछ कीजिए, उन्हें मनाइए, आपकी बात शायद वो मानेगी, आपको वो चाहती भी है, आपकी बात ज़रूर मान जाएगी। तो दिलीप साहब उनको लॉन्ग ड्राइव पर लेके गए और जैसे देखा कि उसका सायरा जी का मन थोड़ा सा अच्छा हुआ है तो उन्होंने बात छेड़ी और उन्होंने कहा कि तुम तो इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें तो कोई भी अच्छा सा लड़का मिल जाएगा, क्यों उसकी ज़िंदगी या तो क्यों राजेंद्र कुमार की फैमिली ख़राब करने पे तुली हो। तो सायरा जी ने कहा मुझे तो बहुत अच्छा इंसान मिल जाएगा, क्या आप वो इंसान बन सकते हो? दिलीप कुमार साहब ने ये सोचा नहीं था कि ऐसा भी जवाब आएगा सामने से, सायरा जी ऐसा कहेगी। तो दिलीप कुमार तो घर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने बात नसीम बानो से कही कि ऐसा ऐसा हुआ है। नसीम बानो ने कहा ठीक है, तो अगर आप तैयार हो तो मैं आप दोनों की सगाई करना तैयार हूँ, आपकी शादी करना तैयार हूँ। उसके बाद दोनों की शादी भी कर दी गई। और दिलीप कुमार साहब ने इस बारे में कहा था, दिलीप कुमार से आधी उम्र की ये सायरा जी थी, लेकिन दिलीप कुमार को भी बहुत चाहती थी, तो उनके साथ उनकी शादी हो गई। और राजेंद्र कुमार शुक्ला जो उनकी वाइफ का नाम था उनके पास चले गए। दोस्तों यही होता है, क्या होता है कि हम लोग जो काम करते रहते हैं वही हम पे कभी कभी छा जाता है, हमारे दिलो दिमाग पे छा जाता है। हम झूठे झूठे प्रेम के नाटक जो या जो झूठी झूठी एक्टिंग भी करते हैं प्रेम की, तो वो कहीं ना कहीं सच हो जाता है। ऐसा ही इन दोनों के बारे में हुआ, ये दोनों दिल दो दिल चाहते हुए भी मिल नहीं पाए। तो दोस्तों ऐसी ही कुछ दर्द भरी कहानी थी, एक अधूरी प्रेम कहानी राजेंद्र कुमार साहब की और सायरा जी के साथ, दोनों के साथ की, लेकिन ये कहानी पूरी हो नहीं पाई। उसके बाद की कहानी आप सभी को मालूम है, ऐसी ही कहानी कुछ लेके आऊँगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, आपका दोस्त आपका होस्ट विपिन कुमार, आपका भारत माता की जय, वंदे मातरम, नमस्कार, आई लव यू फ्रेंड्स। जो नए दोस्त आए हैं वो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही बातें हम आप में बताता रहूँगा। दोस्तों